हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। आपका क्या है, आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, बोल जा रही हूँ, तबीयत नहीं ठीक है इससे आपकी लाइन क्लासेस नहीं हो पा रही रात को लाइव क्लासेस। ठीक है, तो बहुत लोग पूछे मैम क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो मेरा तबीयत नहीं ठीक है। और मेरा क्या है ना कि जो आपका टेक्निकल इशू हो गया है, जो यहाँ पे मेरा एडोप्टर है ना वो जल गया है यार। ठीक है, तो उसको लगाने में पैसा चाहिए, तो लगा नहीं रहा नेट वाला के, उसको मैं बोली हूँ लगाने के लिए। तो चलिए ये सब बात में बाद में करेंगे। तो पूछे मैम आप लोग क्लास कब लेंगे, लाइव क्लासेस, मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस पे आ जाऊंगी। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है, विंसन मासिक किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दे अर्कांटिका, ऑप्शन ए दे अफ्रीका। ठीक है, ये देखिए विंसन मासिक का, तो ये आपका अंटार्कटिका का। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद चलते हैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकों ने क्यों। ऑप्शन ए सामाजिक, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग है। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ऑप्शन से ये पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करेगा, बिल्कुल सही है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इस स्थान को कहा जाता है क्या, कहा सर, जहाँ कुछ कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया ग्राम भोजक, ऑप्शन बी दिया गर्भ गृह, ऑप्शन सी दिया गया प्रदक्षिणा, ऑप्शन डी मंडप। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आपको मंडप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए का राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोच्चतम अभ्यास कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया गया संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ेंगे, राइट आंसर क्या होगा, वन्य जीवन संरक्षण को हम रोल प्ले करवाएंगे। क्वेश्चन आप लोग का फोर का राइट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, सॉरी फोर का ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, ठीक। ऑप्शन बी दिया गया आपका समता के मुद्दे, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों से, जिसमें ए और बी है तो वही राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा टाइम लेने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ए और बी। ठीक है, केवल तो होगा नहीं, यहाँ पे केवल देने। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, पैम्पेरा स्थानीय पवन किस क्षेत्र में चलती है। ठीक है, ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी दिया पंपास, ऑप्शन सी दिया पेरिस, ऑप्शन डी दिया स्टेपिस, स्टेपी। ठीक है, पैम्पेरा क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो पंपास। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न जलवासी कृषि एवं उससे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य कथन चुनना है। ठीक है, असत्य पूछा गया है। ऑप्शन ए तमराई थाईलैंड, ऑप्शन बी दिया रोह राजीव, ऑप्शन सी दिया गया दलांग मलेशिया, ऑप्शन डी दिया मिल्पा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा, मिल्पा और श्रीलंका, यही आपका क्या है, असत्य कथन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट, सूर्य की सतह के केंद्र की ओर उसकी आंतरिक संरचना का सही क्रम पूछा गया। सूर्य की ऑप्शन है कोर, विकिरण, क्षेत्र, सौर मंडल। ठीक, ऑप्शन सी दे सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल, ऑप्शन सी दे कोर तो लास्ट में आएगी, ये तो होगा नहीं इसमें। ऑप्शन सी दे सौर मंडल, विकिरण बिल्कुल सही है और कोर। क्वेश्चन नंबर आप लोग का एट का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल को, ऑप्शन बी दिया कांगो नदी को, ऑप्शन सी दिया नील नदी को, ऑप्शन डी दिया गया जामेजी नदी को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बात करो तो नील नदी को आपका मिस्र का वरदान कहा जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, कांग्रेस द्वारा पारित संपूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघ प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक, चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1930।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज मनाया गया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि वे इसे डैश के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन ए दे काला जाई, ऑप्शन बी दे काला सोना, ऑप्शन सी दे काला तबीज, ऑप्शन डी काला पत्थर। राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन अगर मैं 11 की बात करूं तो किसके नाम से काला सोना के नाम से बनाया बुलाते थे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाथ साहित्य का संबंध किस नाथ, ऑप्शन ए बंगाली से, ऑप्शन बी असामी से, ऑप्शन सी उड़िया से, ऑप्शन डी मैथिली से। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर नाथ साहित्य का संबंध किससे है तो ये आपका बंगाली से। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता, ऑप्शन ए ग्रामम, ऑप्शन बी दे श्रेणी, ऑप्शन सी दे नरगम, ऑप्शन सी दे सभा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या बोला जाता है, नरगम, सॉरी नगरम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नगरम। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, बिल्कुल नहीं, एक राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो, बिल्कुल सही है, इसे ही राइट आंसर के अनुष्ठान किया जाता था, बी इज द करेक्ट आंसर। भले वो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, भले क्षत्रिय वंश का हो या नहीं हो, ठीक है, जन्म से, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मणि मणिग्रामम क्या था, मणिग्रामम क्या था, ऑप्शन ए मंदिरों का शहर, ऑप्शन बी दिया व्यापार संघ, ऑप्शन सी दिया कांस्य की मूर्ति बनाने में प्रयुक्त तकनीक, ऑप्शन ए दिया डी दिया बंदरगाह का। राइट आंसर क्या होगा, व्यापार संघ। ठीक है, क्वेश्चन 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। ये आयोग के क्वेश्चन नंबर 15, आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।